आपने 2024 के इलेक्शन देखे, उसके रिजल्ट जैसे भी आए उस पर अच्छी चर्चा हुई है। अब जैसे ही उन वो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद राहुल गांधी की राजनीति हमने देखी, उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक जाति का जो कार्ड है, जाति का जो इशू है उसको फेंका है। उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन उसमें बोल दिया कि जाति का एंगल आना चाहिए। फिर रेलवे के एम्प्लॉयज थे, वो रेलवे के जो जो एम्प्लॉयज थे उनको बोल रहे हैं कि आपका जो मैनेजर है वो ब्राह्मण है और लोको पायलट वो महादलित है। तो इस टाइप का जो एंगल है राहुल गांधी अपनी राजनीति में ला रहे हैं। वो अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर भी यही सेम एंगल। पर आयरोनिकली ये है, ये सारी जगह पे जाट ढूंढते, पत्रकार के भी जाट ढूंढते हैं। एक बार अनुराग जी ने बड़े मुस्कुराते हुए पूछा कौन जात हो भाई, तो उसका जवाब देने में पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई कि कैसे पूछा हमारे नेता का जात। पर क्योंकि अब फिरोज गैंडी के वो पोते हैं, GHANDY है भाई, GHANDY गैंडी होगा ना, GANDHI गांधी है, गैंडी और गांधी में अंतर है। तो वो फिरोज गैंडी के पोते हैं, इंदिरा जी और फिरोज गैंडी के। फिर उनसे जन्मे राजीव जी, राजीव जी ने शादी की एंटोनिया सोनिया जी से, क्रिश्चियन है। तो ऐसे तो वैसे अनुराग जी ने डायरेक्टली नहीं पूछा कि तुम कौन सी जाति, उन्होंने बोला जो अपनी जात नहीं जानता खुद की वो दूसरों को जाति जनगणना के लिए बोल रहा है। तो इस पे ऐसा रिएक्शन क्यों आया? ये रिएक्शन इसलिए आया, देखिए आज जैसे कल हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तो आज फ्राइडे है, थर्सडे के दिन मेरे अवतरण दिवस के दिन मेरे जन्म दिवस पे वाल्मीकि जयंती भी थी जी, ठीक है। तो वाल्मीकि जयंती के दिवस पर आपने एक चीज नोटिस की, बहुत लोगों ने खबर मिस कर दी, कैप्टन अजय यादव जो कि नेशनल ओबीसी चेयरपर्सन है कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाई। वो भी इसलिए दे दिया क्योंकि जो हायर अथॉरिटी है कांग्रेस की उन्होंने इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने ट्वीट पे लिखा है कि आई वाज ट्रीटेड शैबिली, और फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण गिनाए। अच्छा, हरियाणा चुनाव में आपने कुमारी शैलजा जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, एससी नेता के साथ ओबीसी नेता आपके क्विट कर रहे हैं और आप जाति की बात कर रहे हैं। मतलब कि ओसामा बिन लादेन अमन और शांति की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जाति की बात कर रहे हैं, वो आया था ना, और ओबीसी की बात कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ जब आया था तो अमन और शांति की बात करने आया था यहाँ पे। ये उस प्रकार का ही हिपोक्रेसी या आयरोनिकल सिचुएशन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उससे ज्यादा ओबीसी विरोधी दलित विरोधी डीएनए हो ही नहीं सकता भाई। 1961 में आपके नेहरू जी जिन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दिया था, उन वाले नेहरू जी ने 1961 में लेटर लिख के कहा था कि सेकंड क्लास लोग जो है रिजर्वेशन से बनते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेट्स को लिखा है कि आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन। 80-90 इंदिरा जी देन राजीव जी दे अपोज मंडल, मंडल की रिपोर्ट आ गई थी 79 में, जनता की पार्टी की गवर्नमेंट थी। फिर 80-84 इंदिरा जी ने विरोध किया, उस समय उनका नारा था कांग्रेस का, ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। वो इंदिरा जी का वीडियो भी है कि मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ। फिर 1990s में राजीव जी ने विरोध किया पार्लियामेंट में, उनका एक इंटरव्यू है नवभारत टाइम्स में, एक मिनट अगर आप दोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा क्लिपिंग भी। उन्होंने लिखा, उन्होंने उसमें बोला है कि भाई आरक्षण जो होता है वो तो बुद्धुओं को दिया जाता है, ये है, तो ये बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा अगर आरक्षण दिया जाएगा तो। और फिर 2004-14 के बीच आ जाते, चलो बाकी समय छोड़ दो, 2004-14 के बीच कांग्रेस दो चीज़ें कर रही थी। एक तो वो प्लान बना रही थी, उन्होंने एक बिल भी तैयार किया था कि हम ओबीसी आरक्षण से एक कार्व आउट करके मुस्लिम्स को देंगे ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स फ्रॉम ओबीसी, मतलब ओबीसी का मान लो एक्स अमाउंट है उसमें से कार्व आउट करके। सलमान खुर्शीद ने बोला था कि मैं 27% में से ओबीसी के 9% मुस्लिम को मिलना चाहिए। कर्नाटका में तो किया भी, मुस्लिम्स को दिया। वेस्ट बंगाल में जो वन से तो पूरा ही दे दिया भाई, 77 कास्ट में से 75 मुस्लिम कास्ट। अच्छा, जब इनको बोलो कि भाई मुस्लिम में है ना फिर कास्ट, तो आप एक्सेप्ट करो, तो बोलते नहीं नहीं मुस्लिम का तो एक है, वो एक कौम है, पूरी एक कौम है, मतलब सीरिया से लेकर लेबनान सब एक कौम है। और अब जिस प्रकार से ये लोग जाति कार्ड खेल रहे थे, तो एक चीज नोटिस कीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पे भी अच्छी खासी संख्या है एससी एसटी की, और अब ओडिशा भी उनको रिजेक्ट किया, और अब ये जो अपने हरियाणा चुनाव है उसमें भी रिजेक्ट हुए। लोकसभा में क्योंकि उन्होंने इफेक्टिवली एक बहुत बड़ा फेक नैरेटिव स्प्रेड किया, पर वो मुझे लगता है अब कम से कम ध्वस्त हो गया। और लोगों ने ये भी देखा है, एक चीज़ का बहुत असर पड़ा है, जो पीएम मोदी, भागवत जी, सरसंचालक जी और योगी जी ने, तीनों ने एक स्वर में बोला, बटोगे तो कटोगे।
और वो मुझे लगता है कि अब डिस्टिल होकर पहुंच रहा है जमीन तक।